गाइस वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एसएससी सीजीएल का जो अभी 19 का रिजल्ट आया है इसको लेकर 18-19 का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर काफी परेशानी में है बच्चे और उसको लेकर काफी दुविधा में है जो बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं कि अगर कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन इतना एब्सर्ड हो रहा है, सारी चीजें इतना गड़बड़ हो रही हैं, तो हम क्या एसएससी की तैयारी करें और अगर करें तो कैसे करें। और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर इतनी का हाई कट ऑफ है, 700 में से 710 बच्चों के आ रहे हैं, तो हम क्या करें, ऐसे में हमारी तैयारी कैसे होगी और हम इसमें इस सिचुएशन में क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे, कट ऑफ इतना हाई है तो आपको क्या करना है। तो बिफोर आई स्टार्ट, सो बिफोर वी मूव ऑन, हियर समथिंग अबाउट अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पर मेरा ये कोर्स चल रहा है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का कोर्स है। ये हमारा आज यानी 15 जुलाई से शुरू हुआ है, दोपहर 3 बजे से इसमें क्लास है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा 23 जुलाई से एक्टिव पैसिव और नरेशन का कोर्स शुरू हो रहा है, आप इसमें भी सब ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे ही कोर्सेज को के अलावा डेली हमारी 1 बजे रीजनिंग की और शाम 5 बजे इंग्लिश की फ्री क्लास होती है, आप इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर और भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर इस समय ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स फ्री मिलता है और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ये कॉस्ट आपको 6,000 रुपए 1.5 साल के लिए और 7,020 रुपए आपको 3 साल के लिए देना होता है। और बैंक और एसएससी की दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1.5 साल के लिए आपको सिर्फ 8,000 रुपए और 3 साल के लिए 10,000 रुपए देना होगा। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे 8299117042 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए आज के हम बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको जैसी की सिचुएशन हो रखी है कि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन इतना एब्सर्ड हो रहा है, बच्चों के 150 नंबर आ रहे हैं तो -100 कर देते हैं और 100 है तो -200 हो रहा है, 50 वालों के -400 तक हुए हैं, तो ऐसे में हमारे साथ में क्या होगा, क्योंकि हम आगे की तैयारी करना चाहते हैं, हम सीजीएल 20 देना चाहते हैं, 1 महीने बाद हमारा पेपर लगा है और बड़ी समस्या में है कि ऐसे में करा क्या जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखिए नो डाउट नॉर्मलाइजेशन बहुत एब्सर्ड हुआ है और बहुत गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो एब्सर्ड है, गलत है, दैट इज रॉन्ग अप टू सो मेनी लेवल्स, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी भी बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं तो -400 कर दो, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर कोई बच्चा सारे सवाल गलत करके भी आता तो भी -50 ही होते, और ऐसे में जिसके -400 होते हैं अगर उसके मान लीजिए बाकी सब्जेक्ट्स मिला के आके उसके 300 नंबर भी आ रहे थे तो -400 मिला के -100 ही होंगे। तो अगर वो पीएच कैंडिडेट है या कोई बीएच कैंडिडेट है या कोई कैटेगरी वाला है तो उसमें फिर उसको कभी भी सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब हमारे साथ में क्या करना है, देखिए हमारे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है, हम आगे की तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए ऐसा हो भी हो रखा है तो हम आगे कैसे बढ़ें। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि चाहे आप सीजीएल 20 की तैयारी कर रहे हो या आगे आने वाले सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ऐसी चीजें होती हैं एसएससी में, हर साल कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे हाथ में तैयारी करना है, हमारे हाथ में मेहनत करना है, हमारे हाथ में पढ़ाई करना है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम लेना एसएससी का काम है, नॉर्मलाइजेशन लेना करना एसएससी का काम है, पेपर बनाना टीसीएस का काम है, वेंडर टीसीएस है, सारी चीजें उनका काम है। तो जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में हम सोच करके भी क्या फायदा होगा, बताइए आपको कैसी शिफ्ट मिलेगी, इसके बारे में हम क्या कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम अपनी तैयारी को ऐसा कर सकते हैं कि भैया अगर आसान से आसान पेपर आया तो हम 200 में 200 लाएंगे और अगर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ हम पेपर में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। हमारी क्षमता 190 की होगी तो हम 190 लाएंगे, हमारी क्षमता 200 में 200 की होगी हम 200 लाएंगे, हमारी क्षमता 160-170 की होगी हम 160-170 लाएंगे।
बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है, आप उनकी चीजें बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि तो क्या, एक तो कई लोगों का कहना है कि एसएससी की तैयारी छोड़ दें, कुछ रखा नहीं है इसमें। देखिए अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करना छोड़ना चाहते हैं तो यू आर नो वन कैन स्टॉप यू, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक से एक बात में सवाल ये पूछना चाहूंगा, अगर आप एसएससी की तैयारी छोड़ना चाहते हैं तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने तैयारी करने के बारे में सोचा क्यों था? शायद इसलिए सोचा था क्योंकि आप एक इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, एमईए में पोस्टिंग लेना चाहते थे, एक अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहते थे जो रेप्यूटेड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, एक वेल नोन डिपार्टमेंट में हो जिससे आपको एक वेल रिकॉग्निशन मिल सके, सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन मिल सके, और साथ ही साथ आप रोजगार चाहते थे जिससे महीने में आपके खाते में कुछ पैसे आ सकें और अपने जीवन को आप अच्छे से चला सकें, ठीक। आप वर्दी चाहते थे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट की, आप वो रुतबा चाहते थे जो आपको सरकारी नौकरी से मिलता है, ये सारी चीजें सोच के आए थे ना। अगर आपको ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए थी तो आप बिल्कुल बैंकिंग की तैयारी कीजिए, उसमें आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको क्लर्क की नौकरी में एसएससी एमटीएस से भी कम सैलरी है और एसएससी पीओ की आईबीपीएस पीओ भी बनेंगे आप तो भी एसएससी की टॉप पोस्ट के बराबर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ना ही वो सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, और वर्कलोड के बारे में आप अपने किसी भी बैंक के एम्प्लॉय से पूछ लीजिएगा, बैंक के दोस्त से पूछ लीजिएगा। मैं बैंकिंग की नौकरियों को डिमीन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप इस फील्ड में आए थे तो क्यों आए थे? शायद आप इसीलिए आए थे क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए जो कि आपको एक वेल एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट में होगी, राइट। तो अगर आपको वो चीजें चाहिए हैं तो आपको इस जर्नी से गुजरना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सरकार ने एसएससी को ही हमें दे रखा है, एसएससी ही ग्रुप बी सी और डी पोस्ट के लिए एग्जाम कराएगी, वी हैव नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं नो आप करिए, बिल्कुल आपको किसी ने नहीं रोका, या फिर आप किसी अदर एग्जाम की करना चाहते हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं करिए, आप स्टेट सर्विसेज में जाना चाहते हैं जाइए, बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छी बात है। आपको नौकरी चाहिए आप कहीं से भी लीजिए, ठीक है, आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एसएससी से नौकरी चाहते हैं तो आपको इन सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन पे कि भैया नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत ही एब्सर्ड हो रहा है, तो ऐसे में क्या डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो बेटा, मैं पीएच वीएच और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए तो मैं मानूंगा कि इनके साथ में बिल्कुल ज्यादती हुई है और इनके उनमें बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। बट अनरिजर्व कैटेगरी में मैं आपको बताऊं कि अगर आप 18 तारीख के पेपर में अगर आप 190 से कम स्कोर कर रहे हैं, देन दिस इज रियलिटी दैट यू आर नॉट इवन इन द रेस। व्हाई? बिकॉज अगर आप 18 में 190 कर रहे हैं, क्योंकि आप पेपर लगाकर देख लीजिएगा, पेपर बहुत ईजी था, और 15-16 में वो बच्चों का स्कोर ऑटोमेटिकली 150-60 होता, तो अगर उस शिफ्ट में 190 बच्चे करेंगे तो ऑब्वियसली यहां वाला रेस में नहीं है, ठीक है, आप रेस में उसमें नहीं आ पाएंगे। 150-60 भी होता तो भी कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो जो डिजर्विंग है, मतलब मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ्स एवरेज है एंड दे प्रीटी वेल स्कोर्ड 190 प्लस। तो जब एवरेज स्टूडेंट्स 190 स्कोर 18 में कर रहे हैं, इसका मतलब है ना, आपने देखा होगा वेरियस सर्वेस कंडक्ट हुए, क्यू मैथ्स का सर्वे, आरबीई का सर्वे, आपने देखा होगा कि जो एवरेज स्कोर निकल के आया है 20 नवंबर के पेपर में वही 188 है, यानी कि बहुत से बच्चे 188 से प्लस स्कोर कर रहे थे ना, इसीलिए तो वो स्कोर नॉर्मलाइज होके इतना बढ़ा है या इतना घटा है। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो जिसने मेहनत करी है, जिसकी मैथ्स अच्छी है, उसने स्कोर किया है और वो सिलेक्शन लेगा। बहुत से बच्चे मेरे टच में हैं, मैं एक बारी फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो बच्चे राजी हो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। अभी उनको बहुत डर है कि एक बारी कोर्ट केस भी लग गया है, इस वजह से उन्हें डर लगता है, या अभी लगता है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए तभी वो इंटरव्यू दे, तो मैं उनको आपके सामने लाऊंगा। दे हैव स्कोर 700 प्लस इन एग्जाम, तो इतना स्कोर लाने के लिए मेहनत करी है ना। तो अगर आपको मेहनत से बचना है, अगर आपको मेहनत का एक्सक्यूज चाहिए, तो आप इन सारी चीजों के चक्कर में पड़िए कि हाँ ये कट ऑफ हाई हो गया, वो प्रॉब्लम है, आई एम नॉट डिनाइंग द प्रॉब्लम, बट ऑन योर एंड यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी है जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाए। तो आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि एक तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी को पूरे तन मन धन से कीजिए और अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। देखिए वो जमाने लग गए जब एग्जाम में 102, 130 या 140 नंबर लाके सिलेक्शन हो जाता था, अब आप 200 में 200 की तैयारी कीजिए हर एग्जाम के लिए
और फिर आप सिलेक्शन लीजिए। देखिए आप में से ही बहुत से लोग होंगे, आपका ही दोस्त कोई होगा जो सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि अरे यार मैं तो इसी के चक्कर में पड़ गया कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप इन सारे चक्करों में पड़े रहेंगे और जो जिन्हें पढ़ना है, जो डिजर्विंग है, वो सिलेक्शन ले जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन सारे चक्करों में पड़े रहना है, ये जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए ट्विटर कैंपेन और तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन आपके एंड पे आपको कड़ी मेहनत करनी है जिससे कि आप एक अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन ले पाए, और वो सिलेक्शन लेने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा कर रखना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत से बचना है तो भाई और छोटे एग्जाम की तैयारी कर लो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर SSC निकालना है तो भाई डट के मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इट्स नॉट ओनली अबाउट लक, ऐसा नहीं है कि ये लक बेस्ड हो गया है या ये चीजें हो गई। मेहनत करने वाले बच्चों ने 18 में भी सिलेक्शन लिया है, 15 में भी लिया है और 16 में भी लिया है। और कुछ बच्चों के साथ हार्ड लक हमेशा होता है, कई लोगों के साथ टीयर 3 में फेल हो जाते हैं कई बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, कई बच्चे रोल नंबर गलत भराते हैं, तो ये चीजें हमेशा से होती रही हैं। तो लक ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। बस आप अपनी कड़ी मेहनत करते रहिए, आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो, और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, इन सारे पचड़ों में कम पड़िए कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, आप उनको, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। अपने सिलेक्शन अगर लेना है तो अपनी तैयारी पे लगातार फोकस करिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सारी अपनी अपनी जगह पे है, बट हमें देखिए जीतता वही है, जीता वही जो लड़ा। अगर आप लड़ेंगे, अगर आप इन सारी एडवर्सिटीज को पीछे छोड़ के आप सिलेक्शन लेंगे तो ही आप विजयी कहलाएंगे ना। तो समस्याएं बहुत हैं दोस्तों का रास्ते में, कांटे बहुत हैं, हमें पार पाना है उसको, और उसको पार पाने के लिए हमें हर तरीके की समस्या को सामना करना पड़ेगा। हमें डरना नहीं है किसी चीज से, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो, लक हो, या कुछ भी हो। अपने कर्म पे भरोसा रखो, अपने काम पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपनी सिलेक्शन तब हमें मिलेगा अगर हम लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे। तो मेहनत पे बेटा भरोसा रखो, नॉर्मलाइजेशन को भी आप जीत जाओगे, क्योंकि 18 वाले भी बच्चे हैं जो 200 में 200 लाए और सिलेक्शन ले रहे हैं, 15 वाले भी सिलेक्शन ले रहे हैं और 16 वाले भी ले रहे हैं। आप देखेंगे ना, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 8,000-9,000 लोगों की। वो लकी नहीं है, मेहनत किए हैं वो, तब जाके सिलेक्शन ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि लक से लोगों का सिलेक्शन होता है तो नहीं होता बेटा। जो लेते हैं सिलेक्शन, एक बार उनसे पूछेगा कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत वो भी करता है जो सिलेक्ट नहीं होता है। एस्पायरेंट्स ने उसने कहा था ना कि मेहनत वो भी करता है कि आप फेल हो जाओगे, लोग फेलियर का तमगा डाल के चले जाएंगे, लेकिन फेल तो मेहनत तो फेल वाले ने भी करी है। लेकिन अब आपको चुनना है कि आप पहले से मान चुके हो कि आप फेलियर हो, या आप लड़ने के लिए आगे हो, मैदान में कूदोगे। देखो, जो फेलियर भी वही होगा ना जो एग्जाम लड़ेगा। अगर आप पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाओगे तो फेलियर भी नहीं कहलाओगे, तुम भगोड़े कहलाओगे। तो अब आप डिसाइड करो, आपको भगोड़ा बनना है या सफल बनना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में हमारे एसपी बख्शी वाली वीडियोस अभी कंटिन्यू रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।